दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं, वो भी काउंटडाउन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है काइन मास्टर। ये दोस्तों आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर ओपन कर लें। अब दोस्तों हमें मीडिया ब्राउज़र में जाकर एक बैकग्राउंड लेना होगा। अगर आप वाइट बैकग्राउंड लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरह से दोस्तों हम इसकी साइज़ को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमें लेयर में टेक्स्ट पर जाना है। अब यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन हो वो डाल देना है। अब यहाँ से आप टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इन टेक्स्ट में जो भी कलर डालना चाहते हैं वो यहाँ से डाल सकते हैं। दोस्तों हम इन अक्षरों का कलर लाल कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हम इनमें एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप टेक्स्ट की शैडो को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आपको लास्ट में आ जाना है। दोस्तों अब लेयर में जाकर आपको एक टाइमर वीडियो डाल देना है। इस तरह की नो कॉपीराइट वीडियो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों काइन मास्टर से आप अपना खुद का एक काउंटडाउन वीडियो बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।
दोस्तों ये 10 सेकंड का काउंटडाउन है, अगर आप चाहते हैं तो 5 सेकंड का भी लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा ये आंसर राइट है तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। और इस तरह से हम उसे दूसरी जगह सेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर लेंगे। अब आप अपने हिसाब से टेक्स्ट के एनिमेशन इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसकी शैडो को ऑफ कर लेंगे। अब दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन की टाइमिंग को बढ़ाकर आंसर के बराबर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ से दोस्तों आप इसमें बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं।
दोस्तों आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप अपने वीडियो में वॉइस ओवर करके वॉइस डाल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर ग्रीन हो जाए तो इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप आंसर को सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। अब अपने आंसर को यहाँ पर पेस्ट कर लें। फिर आप इसे रिसाइज कर लें, इसके कलर को ग्रीन कर लें। इसकी शेडो को भी ऑफ कर लें। अब दोस्तों हम हमारे इस आंसर को इस पहले वाले रेड के ऊपर बराबर फिक्स कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारा वीडियो किस तरह से दिखेगा। दोस्तों इसकी टाइमिंग को थोड़ा सही कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वीडियो बहुत ही कमाल का बना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।